इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भवानी मैया क्या प्रश्न करती हैं? ऐसा क्यों किया प्रभु ने? और एक बार प्रश्न करती, देखिए श्रोता के रूप में मां भवानी जी अद्भुत हैं। श्रोता कैसा हो? सुमति, सुशील, सुचि। गरुण जी महाराज मां भगवती से भी अप्रतिम श्रोता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? कथा श्रवण करता हुआ और बात कोई सैद्धांतिक समझ में न आवे तो किसी पढ़े लिखे विद्यार्थी की तरह तन्मयता पूर्वक वक्ता से प्रश्न भी करना चाहिए। प्रभु आपने कही तो लेकिन समझ में नहीं आई। श्रोता प्रमाद भरा नहीं होना चाहिए, श्रोता विवेकी होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने मां से कहा, जब मां ने प्रश्न किया, बाबा जो जो कथा कागभुसुंडी जी ने सुनाई गरुण जी को, वो सब कथा तो आपने हमको सुनाई नहीं। तब बाबा ने कहा है, देवी श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रस कहरिदा पायुमा अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रह्लाद। हे भगवती, श्रोता कैसा हो? सुमति संपन्न हो, अंतः और बहिर् पवित्र हो, शुचिता भरा हो, कथा का रसिक हो, कथा में उसकी रुचि हो और गोपनीय से गोपनीय बात सुनने की उसके अंदर ललक हो, तब जो वक्ता होता है वो अनेक बातें सहज ही निकाल निकाल कर मोती की भांति और श्रृंखलाबद्ध मनका को माला में पिरोता रहता है। आपसे मैंने पूछा, यहां तक सुनाया, आप क्या सुनाऊं? आपने कहा बस मैं कृतकृत्य भयू अब तब प्रसाद विश्वेश। तो जितना आपने पूछा उतना हमने आपको सुना दिया। हम विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। तो देखिए बाबा ने मां का समाधान किया, देवी ओ मां राम सम हित जग हमारे प्रभु के जैसा गुरु प्रकाशक, पिता जनक, वो हितैषी है। गुरु शिष्य के अंधकार को ही प्रकाशित कर देता है। गुरु मने होता ही है गुरु, मने अंधकार, रू मने प्रकाश। अंधकार को जो प्रकाशित कर दे वही गुरु तत्व है। अरे वो कौन है? अंधकार को प्रकाशित करने वाले कौन है? आ तो मेरे राम जी हैं। कहां कहां किए? देखिए भरत भैया बहुत सारी चर्चा करने प्रभु के पास आए। मानस में कहीं वर्णन नहीं आता है कि भरत भैया श्री चित्रकूट धाम से अथवा वन से राम जी को लेने आए। दाक्षा भी कथावाचक हैं, प्रवचन करता है, विद्वान है। क्यों?
भगवान यदि हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे पिता हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, गुरु माने श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ के प्रति हम अपने मन में कुछ विचार करके बात उपस्थित नहीं कर सकते हैं। कारण कदाचित श्रेष्ठ को बात अनुकूल न हो। गुरु तत्व से चाहे जो नहीं मनवा सकते हैं आप, नहीं हम जो कहेंगे वैसा तो गुरु जी करेंगे। कई बार ऐसा होता है, चला लोग तय कर लेते हैं कि गुरु जी को ये करना चाहिए, गुरु जी हमारे ऐसे गुरु जी जो होते हैं वो कहते हैं हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे, तुम गुरु कि हम गुरु, हम जो करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से हम कुछ नहीं करेंगे, उसको अन्यथा मानते हैं। मेरे परमात्मा श्रेष्ठ गुरु तत्व हैं, भरत भैया के जीवन में, श्री लक्ष्मण जी महाराज के जीवन में, सुग्रीव जी महाराज के जीवन में। गुरु कौन? अज्ञानता पूर्वक जो अंधकार में उपस्थित है उसको ही प्रकाश में उपस्थित कर देना, यह गुरु तत्व है। अब परमात्मा में गुरु तत्व भी अवतरित होता है। पिता भगवान केवल एक का नहीं, अनेक का भी नहीं, ब्रह्मांड का। परमात्मा क्या है? पिता। मां कौशल्या ने स्पष्ट जब भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है तो वहां कहा, क्या पंक्ति है, जगत पिता में सुत कर जाना, स्तुति करी न जाए भय माना। माने जब विराट स्वरूप का दर्शन किया तो मेरी माँ कहती है अस्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता भगवान जिन्होंने जन्म दिया वो कहती हैं ये जगत के पिता को हमने पुत्र मान लिया। भगवान जगत के स्वामी हैं, आगे चले सकल जग स्वामी, भगवान सारे जगत के स्वामी हैं। भगवान केवल एक नहीं, अनेक अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तभी तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि। भगवान के एक एक रोम छिद्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन मेरी माँ को हुआ। पिता माँ देखिए अपने रहना सरल है, अपने पेट से जन्म दिए गए संतान की सेवा करना भी सरल है, लेकिन दूसरे की कोख से जन्मी संतान को अपने पुत्रों जैसी ममता देकर, बेटियों जैसी ममता देकर रखना ये सरल काम नहीं है। अन्य को नहीं, वन्य को तो हम कर सकते हैं, जो हमारे रक्त से बने हैं, जन्म लिए हैं, उनके साथ तो हम क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे रक्त संबंधी नहीं है उनमें हम मातृभाव रखकर और उनको ममता के द्वारा लाड़ प्यार देकर संहार करना ये बहुत कठिन काम है, केवल मेरे राम जी कर सकते। आपको पता, कैलकुलेटर निकालिएगा तो राम जी की सेना की संख्या उससे बाहर चली जाएगी, कंप्यूटर में भी नहीं आती है। शुक लौट कर कहता है मैं यस सुना श्रवण दस कंधर, मैं अस सुना
श्रवण दस पदुम अठारह जूथप। हे महाराज दस गात्र, हे दसानन प्रभु, मैंने इन कानों से वानरों से चर्चा होते समय सुना, 18 पदम तो केवल उनके यूथपति यानी सेनापति, जिसको सेनानायक बोलते हैं, अपने प्रदेश में जितने जिले हैं उतनी पीएसी बटालियन है। हर पीएसी बटालियन में 1100 से 2400, 2400 से 4800 इतने सिपाही रहते हैं। उनके क्रम में इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर उनके अधिकारी, दीवान, मुहरीर कितने रहते हैं। इतनी बड़ी सेना, 18 पदम गुणे आप 4800 भी करिए तो जरा संख्या देखिए कितनी जाएगी। और इतने कपियों में ममता देकर किस जैसी, या तो मां के जैसी। भगवान ने सबको समेट करके रखा, दूसरा कोई कर सकता नहीं। असकप को नहीं सेना माही, राम कुशल पूछा जिन, एको हम बहुश्यामी श्यामी दांते सह, एको हम बहुश्यामी श्यामी नहीं ना, एको हम बहुश्यामी। एक भगवान अनंतानंत स्वरूप से, यही भगवान ने अयोध्या जी में किया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।